गुड मॉर्निंग बच्चों, वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम रिजोनेंस बुक एनटीएसई और डे सेकंड है, यानी कि वही सेकंड लेक्चर है ये। और मैं बताऊं आपको साथ साथ, ये जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी बुक में ट्रायंगल नाम से है ये चैप्टर, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिया बच्चों, उसके बाद ये करवाया स्टार्ट, ठीक है ना। तो वो भी बात कर सकते हो आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ साथ मैं ये बताऊँ कि दोनों बुक से अगर तैयार हो गया आपका ये क्वेश्चन, तो सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता जो सीबीएसई के एग्जाम में आएगा, और साथ साथ एनटीएससी का भी वही, ठीक है ना, अगर आप डिटेल से करते हैं तो। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बेस्ड है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का जो रेशो है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। यानी कि गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों का एरिया गिवन है, एक की साइड गिवन है और दूसरे की कोरस्पोंडिंग साइड निकालनी है आपने। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो। तो सबसे पहले भाई, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है ये, तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी और डी ई एफ के एरिया का जो रेशो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर बाई डी एफ स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर बाई ए बी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर बाई डी एफ स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर बाई ई एफ स्क्वेयर। तो हमारे को जरूरत है बी सी स्क्वेयर और ई एफ स्क्वेयर की। तो सबसे पहले ए बी सी का एरिया जो है मैं 9 रख दूंगा यहाँ पर, और डी ई एफ का एरिया रखा जाएगा 16, और बी सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा बच्चों 2.1 का स्क्वेयर, और ई एफ स्क्वेयर की जगह आ जाएगा ई एफ स्क्वेयर जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट लेंगे ताकि इसका स्क्वेयर हट जाएगा, इसका स्क्वेयर हट जाए, और इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा 9 का 3 और 16 का आ जाएगा 4, और राइट साइड में इसका स्क्वेयर रूट हटकर 2.1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई एफ, केवल ई एफ यहाँ पर लिख देना आपने बीच में, टेकिंग स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 ई एफ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 × 2.1, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 2.1/3, और 3 × 7 = 21। तो इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, ई एफ की वैल्यू आ गई बच्चों 2.8। बच्चों स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, तो स्टेटमेंट देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट है बच्चों चेक योर प्रोग्रेस की रिजोनेंस बुक है मेरे, और 2 स्टेटमेंट ये हैं बच्चों विद आंसर, देखो 5 के आंसर हैं आपके सामने। तो स्टेटमेंट आप राइट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन समझते समय। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपने देख लिया अभी अभी, तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये ट्राइंगल दे रखी है और इसमें LM जो है वो BC के पैरेलल दे रखा है, साथ में ALM का एरिया जो है 18 cm² दे रखा है बच्चों, और ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना हमने। तो भाई LM अगर BC के पैरेलल है बच्चों, तो ये एंगल जो है 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंगल 1 = 2 कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है ना, LM जो है किसके पैरेलल है, BC के, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक ऐसे ये एंगल 3 और 4 जो है ये कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंगल 3 = 4 कोरस्पोंडिंग एंगल, सेम रीजन है बच्चों इसका। एंड एंगल A = A कॉमन, ठीक है ना, ट्राइंगल लेकर चला मैं, ट्राइंगल ALM एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल में ऐसा हमने किया कि तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल क्या दिखा दिए, इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ALM सिमिलर किसके हो जाएगी, देखो ALM सिमिलर हो जाएगी ABC के, ठीक है ना। तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगे, एक तो ये होगा, दूसरा है बेसिक
कि भाई इनका जो एरिया का स्क्वेयर है वो इनकी साइड के कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। इनके एरिया का जो रेशो है यानी कि एरिया ट्राइंगल ए एल एम डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एल एम की साइड ले लेते हैं हम यहां पर एल एम, ठीक है ना। एल एम वैसे गिवन है नहीं बच्चों, ये साइड गिवन आपकी ये वाली ये सारी, और ए एल एम का एरिया दे रखे 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ए बी सी का एरिया निकालना है तो साइड हम वो लेंगे जो गिवन है। जैसे देखो इसकी मैंने ले ली ए एल का स्क्वेयर लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि पहले दोनों से ए एल बन गई, पहले दोनों से ए बी बन गई, तो दोनों की दोनों साइड ले ही रखी है यहाँ पर ए बी स्क्वेयर। तो भाई बच्चों ए एल एम का एरिया जो है वहां पर रखेंगे 18 और ए बी सी का एरिया निकालना आपने, एरिया ट्राइंगल ए बी सी ए एल के स्क्वेयर की जगह रखेंगे आप 1 का स्क्वेयर और ए बी का स्क्वेयर आ जाएगा 3 + 1 = 4, 4 का स्क्वेयर 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एरिया ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा आपका 18 × 16, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और सेंटीमीटर स्क्वेयर में आंसर लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। 16 × 8 = 112 और 16 × 1 = 16 यानी कि 7272 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये एरिया आ जाएगा बच्चों इसका। इसमें बच्चों एलएम भी रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना, एलएम भी निकाली और ये प्रोडक्ट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया भाई। 16 × 8 = 128 और 16 × 1 = 16 8 × 2 = 288 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है ना। अब साथ में क्या निकालनी है, हमने एल एम साइड भी निकालनी बच्चों। एल एम साइड कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा रीजन यूज करेंगे अब की बार, वैसे इससे भी आ जाएगा दोबारा से, इन दोनों के एरिया का रेशो यहाँ रख देंगे और साइड जो है एल एम स्क्वेयर बाई बी सी स्क्वेयर यहाँ रख देंगे, उससे भी आ जाएगा आंसर, एल एम का वैल्यू आ जाएगी एल एम की। वरना ऐसा कर सकते हो कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगी, इक्वल रेशो में ए बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, या लिख लीजिए ए एल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है ना, और यहाँ पर एल एम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बी सी। आया समझ में, तो ए एल की जगह क्या रखेंगे 1 और ए पी की जगह रखेंगे 4 और एल एम क्या आपके पास एल एम एज इट इज रहेगी और बी सी की जगह क्या रखेंगे 8 और कैंसिल हो जाएगा, तो एल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी पर दो पॉइंट हैं डी और ई, ऐसे हैं कि दोनों साइड क्या हैं पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों। तो भाई अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कोरस्पोंडिंग, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कोरस्पोंडिंग, और ये एंगल कॉमन है ये दोनों ट्राइंगल का, एक ये ऊपर वाली और एक ये कंप्लीट, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी बच्चों सिमिलर, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए बी सी के, और सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशो है ए डी डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वेयर वो हो जाएगा इनके एरिया के रेशो के इक्वल, एरिया ट्राइंगल ए डी ई इनके इनके स्क्वेयर का जो रेशो है साइड कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वेयर का रेशो वो इनके एरिया के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो ए डी के आपके पास 3 इसका स्क्वेयर 9, ए बी के 5 इसका स्क्वेयर 25 और राइट में एरिया ए डी ई, ए डी का एरिया रिक्वायर्ड है बच्चों, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया रिक्वायर्ड है और नीचे क्या आएगा ए बी सी का एरिया जो कि कितना दे रखा है 10, तो ये 10 इस तरफ आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए डी ई आ जाएगा बच्चों 9/25 × 10, कैंसिल करेंगे 5 से 5 × 2 = 10, तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई आ जाएगा आपका 18/5 यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं भाई, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो आप, और फर्स्ट का एरिया दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का एरिया निकालना है, तो अब की बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो फर्स्ट का एरिया है जो कि 54 दे रखा है, सेकंड का एरिया
जो रिक्वायर्ड है वो लिख देता हूँ मैं डी ई एफ। तो इन दोनों एरिया का जो रेशो है वो इसकी साइड का स्क्वेयर इसकी साइड के स्क्वेयर के रेशो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया इससे और 16 6 होगा 96। तो एरिया ट्राइंगल डी ई एफ आ जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया हो जाएगा बच्चों ये इस ट्राइंगल का, ठीक है ना। और भाई सिमिलर दे ही रखी थी दोनों। नेक्स्ट बच्चों डायग्राम आपके सामने है भाई, और गिवन जो है ये साइड 3 सेंटीमीटर, इन दोनों साइड के टुकड़ों का जो रेशो है वो 5:4 है। तो इस ट्राइंगल का और सी ई टी यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया का रेशो रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, ये ट्राइंगल ग्रीन वाली और साथ में ये ऊपर वाले, ठीक है ना। तो बच्चों देखो मैंने यहां पर क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बच्चों, ई एम परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने एडी के ऊपर, ठीक है ना। ड्रा ई एम परपेंडिकुलर टू एडी या एबी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है बच्चों। अब जो है ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं मैं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा बच्चों, बेस इंटू हाइट बाई टू, बेस है ए डी, हाइट है ई एम बाई टू, ठीक है ना। अब एरिया निकालता हूं मैं इस ट्राइंगल का, देखो ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपकी बार, बेस क्या हो जाएगा बी डी और हाइट ये ही रहेगी। देखो हाइट इस तरीके से भी हो सकती है ट्राइंगल में, यानी कि परपेंडिकुलर, जैसे ऊपर से परपेंडिकुलर डालूं मैं तो इसको बेस को आगे बढ़ाने से मिले ये, ठीक इसमें वही कंडीशन है, ई एम है ये और बेस है इसका बी डी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे हो जाएगा, बेस इंटू हाइट बाई टू से निकालेंगे तो बेस को बी एम नहीं लिख सकते आप, अगर आप बी एम निकाल कर निकालेंगे तो इस पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, जो कि ट्राइंगल थी नहीं अपने पास, तो ये ट्राइंगल थी, तो बेस की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको बी डी, बेस यहाँ तक है। तो वही बात है इस ब्लू वाली ट्राइंगल में बेस ये है और परपेंडिकुलर इससे बाहर डला हुआ है, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा बच्चों, हाइट तो ट्राइंगल की यही रहेगी बाई टू, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को मैं यहीं पर डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ई एम से ई एम कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। अब देखो बच्चों बी डी ई रिक्वायर्ड नहीं थी, क्या थी सी ई डी, जो ग्रीन वाली है ये रिक्वायर्ड थी, ये ग्रीन वाली। तो ऐसा बच्चों दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर बड़ी हुई ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल। देखो बेस क्या होगा दोनों का डी, एक तो है डी सी ई या ई सी डी बोल लीजिए, बेस क्या ले लिया इसका हमने डी, दूसरी है बी डी ई बोल लीजिए या डी ई बी बोल लीजिए या बी ई डी बोल लीजिए, बेस क्या होगा इसका डी ई। तो दोनों का सेम बेस हो गया और पैरेलल लाइन के बीच में बड़ी हुई, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम परपेंडिकुलर जैसे डाल दिया डी ओ, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालू मैं जैसे परपेंडिकुलर इस तरह डालेगा बच्चों, ठीक है ना, ये ग्रीन थी बच्चों, ये तो क्या थी ब्लू, ठीक है ना। तो भाई बच्चों दो पैरेलल लाइन के बीच में जो है इनकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, इस ट्राइंगल की भी हाइट क्या हो जाएगी, जैसे परपेंडिकुलर डालू मैं यहां से परपेंडिकुलर बाहर डलेगा इसका, तो ये आ गया बी ओ परपेंडिकुलर बी हो गया, तो बी ओ इंटू डी ई बाई टू किसका एरिया आ जाएगा, ये डी बी ई का यानी कि बी डी का। अब सी ई डी का एरिया निकालूंगा तो अब की बार भी बेस क्या हो जाएगा डी और परपेंडिकुलर ये रहेगा बी ओ बाई टू, यानी कि एरिया बिल्कुल क्या होगा सेम। द ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज, तो बी डी ई को हटाकर मैं किसका एरिया लिख सकता हूँ यहाँ पर, सी ई डी का जो रिक्वायर्ड है।
तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई एज इट इज रहेगा बच्चों, और इसकी जगह मैंने बी डी ई का जो एरिया था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सी ई डी का एरिया, एरिया ट्राइंगल सी ई डी, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी क्या दे रखे आपको 5/4, तो इनका भी आंसर क्या आ गया बच्चों 5:4, यानी कि रेशो सेम आ गया। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए स्टूडेंट्स, विद आंसर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनको फिर सोल्व करेंगे हम, ठीक है ना। स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों आप, तो स्टेटमेंट देखी बच्चों आपने 5 क्वेश्चन की, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं हम, ठीक है ना। जो उसमें फर्स्ट लिखा हुआ था ये 6 लिख लेते हैं इसको हम, या फर्स्ट ही लिख देते हैं बच्चों, पजल ना हो जाए आप, टोटल 6, 5 और 5 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो भाई इसमें ये मैन है 1.8 मीटर इसकी हाइट है, और ये पोल है जिसकी हाइट रिक्वायर्ड है बच्चों, एक्स लेट कर लेता हूँ, ये मैन जो है इस पोल से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी छाया जो है वो 1.8 मीटर है। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो इनको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ऐसा करने से दो ट्राइंगल बन गई अपने पास, एक ए बी सी यानी कि कंप्लीट ट्राइंगल, और एक सी डी ई या सी ई डी, ये छोटे वाले ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या है सिमिलर, क्योंकि इसमें ये 90 का और इसमें ये 90 का, और ये एंगल हो गया दोनों का कॉमन। बड़ी ट्राइंगल लेंगे तो उसमें भी आएगा ये, और छोटी ट्राइंगल में भी आता है। तो सीधा लिख देता हूँ बच्चों मैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशो में, यानी कि बड़ी ट्राइंगल की ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये, जो कि 1.8 है, बड़ी ट्राइंगल की ये साइड है जो कि बी सी है, और छोटी ट्राइंगल की साइड है डी सी। तो एक्स यानी के पोल की हाइट है बच्चों 1.8, और बी सी क्या आ जाएगी 5 + 1.5 यानी कि 6.5, और डी सी क्या आ जाएगी 1.5। तो भाई डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, सेम प्लेसेस के बाद डेसिमल अपर पार्ट लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाता है, तो ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 पर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 13 × 8 = 104 यानी कि 104, और 13 × 13 + 10 = 23/3, और एक के बाद डेसिमल था इसमें, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 × 7 = 28 और 3 × 8 = 24, 7.8 मीटर, यानी कि जो पोल की हाइट थी वो क्या थी 7.8 मीटर। नेक्स्ट बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो डाल रखा है 6 चैप्टर एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, उसमें ये मैंने थ्योरम प्रूव भी की थी बच्चों। गिवन देख लेते हैं क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है यहाँ पर, और ये प्रूव करना आपने। तो मैंने क्या प्रूव किया था बच्चों वो बता देता हूँ मैं, देखो मैंने ये प्रूव किया था कि किसी ट्राइंगल में 90 वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो जो एल्टीट्यूड है उस ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, और साथ साथ प्रत्येक जो ट्राइंगल है वो बड़ी ट्राइंगल के भी क्या हो जाएगी सिमिलर, ठीक है ना। उसी का यूज करके हमने ये करना है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने स्केयर लगा हुआ, तो उसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, या फिर वो दो ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ती है आपने जिनमें ए डी है कॉमन साइड बने, ए डी जिसमें दोनों की साइड बने। तो भाई ए डी अब कौन सी दो ट्राइंगल जिसमें दोनों की साइड बनी हुई है, तो ये मैंने जो टिक कर दिया ए बी डी और ए डी सी दोनों की साइड क्या है ए डी, तो आपने क्या करना पड़ेगा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। देखो आराम से हो जाएंगे सिमिलर आप, क्या एक बार ये छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल ले लीजिए, एक तो ए बी डी और एक ए बी सी, तो इसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, और इसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये इसका एंगल क्या हो गया कॉमन, बड़ी ट्राइंगल में भी है ये एंगल और छोटी ट्राइंगल में भी एंगल, ठीक है ना। बड़ी ट्राइंगल लें तो उसमें भी आता है बी, और छोटी ट्राइंगल ले ही है तो उसमें भी आता है, तो बच्चों बी एंगल कॉमन हो गया, और इस ट्राइंगल का एंगल 1 जो है वो बड़ी ट्राइंगल के ए के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होंगे इनके, तो इसका तीसरा एंगल कौन सा बच गया ये, ठीक है ना। और बड़ी ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा बच गया बच्चों, ये सी, ठीक है ना, सी बोल सकते हो आप इसको एंगल सी। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया एंगल 1 जो है ना सी के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है ना। सिमिलरली अब एंगल इस एंगल को आप इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और वैसे भी दोनों ट्राइंगल मैं चाहता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, अब ये और ये,
इनको सिमिलर होने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। बच्चों देखो एक एक तो इनमें क्या है, 90 डिग्री का एंगल हो गया, एंगल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये हमने प्रूव किया है, तो इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बच्चों दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। वैसे थर्ड आप करना चाहें तो ये जो एंगल है इसको एंगल फोर बोल देते हैं, ये एंगल हो जाएगा बी के इक्वल, एंगल फोर इक्वल टू एंगल बी, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल के अगर दो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो दोनों का सम मैच हो गया तो तीसरा तो डेफिनेटली सेम ही आएगा बच्चों। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी डी नाम लिख दिया मैंने, ए बी डी किसके सिमिलर हो जाएगी, सिंबॉलिक नाम यहाँ पर जो रखना है आपने, सिंबॉलिक नेम वो बड़े मायने रखता है, अगर वो गलत लिख दिया तो गलत ही आंसर आएगा फिर। तो ए के इक्वल कौन सा एंगल है, देखो ए इस ट्राइंगल का एंगल है तो ए के इक्वल है सी, तो इस ट्राइंगल का नाम पड़ेगा यहाँ पर सी। बी इस ट्राइंगल का एंगल है, ये बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और डी दोनों का 90 डिग्री का है ये बच्चों, तो ए बी के नीचे क्या आएगा, सी ए, जिसकी जरूरत है नहीं हमारे को। बी डी के नीचे क्या आएगा, ए डी, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगी ना, पहले तीसरे से बन गई ए डी और इसमें पहले तीसरे से बन गई सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, बी डी इंटू सी डी और इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। जब भी किसी साइड का स्क्वेयर हो सो दैट में या तो पाइथागोरस फॉर्म लगानी है आपने, या दो ट्राइंगल ढूंढनी है जिनमें ये दोनों की साइड बनती है, और दोनों को सिमिलर दिखाकर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल रेशो में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये दो ट्राइंगल आपको दे रखे और इनके एंगल ई और आर इक्वल है बच्चों, ऐसे ही डी और क्यू एंगल इक्वल लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये प्रूव करना आपने, तो सीधी सी बात है भाई डायरेक्ट हिंट है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है ही, दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो थर्ड एंगल के इक्वल हो ही जाएगा बच्चों। तो इसका थर्ड एंगल मैं ले लेता हूँ, देखो इसका थर्ड एंगल ये है और इसका थर्ड एंगल ये है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए बच्चों बिल्कुल। एंगल ई जो है एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल, एंगल डी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल क्यू के इक्वल, और थर्ड एंगल जो है एफ और पी ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल पी इक्वल टू एंगल एफ, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिंबॉलिक नेम लिखना है इनका हमने, तो पहले ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने डी ई एफ, तो अब आपने ये देखना है कि डी एंगल दूसरी ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, तो डी एंगल दूसरी ट्राइंगल के क्यू के इक्वल है, तो डी का प्लेस यहाँ पर फर्स्ट है तो क्यू का प्लेस भी क्या होगा फर्स्ट। अब ये देखना आपने ई एंगल दूसरी ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, तो ई एंगल दूसरी ट्राइंगल के आर एंगल के इक्वल है, तो ई और आर का प्लेस क्या होगा सेम, इसमें सेकेंड लिख दिया हमने तो यहाँ पर सेकेंड लिखना पड़ेगा, या फिर इसका प्लेस बदलना पड़ेगा अगर उसका और कुछ लिखते हो तो आप। और थर्ड एंगल एफ और पी इक्वल है भाई, तो एफ और पी का प्लेस दोनों का क्या होगा सेम, अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी इक्वल रेशो में हो जाएंगी, तो पहली दोनों से बन गई डी, पहले दोनों प्लेस मिलाकर, इसके पहले दोनों प्लेस मिलाकर बन गई क्यू आर, और ठीक ऐसे इसके दोनों पहला और तीसरा प्लेस बनाकर मिल गई डी एफ, और इसके पहले तीसरे से बन गई पी क्यू या क्यू पी। आप देख लेते हैं आंसर में क्या है अपने पास, वैसे तीसरा पेयर और एक है ई एफ और पी आर, तो भाई बच्चों फर्स्ट और थर्ड जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी हमने, इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, इसको छोड़ कैंसिल नहीं करना बच्चों, आपने लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम, ठीक है ना, EF डिवाइडेड बाई पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D इंटू पी आर किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू आर इंटू ई एफ के इक्वल, ठीक है ना, यही प्रूव करना था बच्चों हमने, क्यू आर को आर क्यू भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ, इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल दे रखे हैं भाई, साथ में ए बी जो है वो थ्री डी के इक्वल दे रखी है, इनके ए बी जो है डी के तीन गुणा के इक्वल है, तो आपने प्रूव करा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर दोनों के दो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा इक्वल, तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर, ठीक है ना। अब कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हुई, देखो
अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो कॉन्ग्रेंट भी हो सकती है बच्चों, अगर आप तीनों साइड भी इक्वल हो जाए, लेकिन साइड इक्वल है नहीं क्योंकि ए बी जो है वो थ्री डी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल नहीं दे रखी, तो बची हुई दो साइड अगर इक्वल भी हो जाएंगी तो बची हुई दो साइड है बच्चों, जैसे कि एंगल बी जो था एंगल ई के इक्वल था यहाँ पर, ठीक है ना, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, सी जो है एफ के इक्वल है, ठीक है ना, तो उसके बावजूद ए बी जो है डी की थ्री टाइम्स, ए बी जो है वो थ्री डी की क्या है थ्री टाइम्स, तो बची हुई दो साइड भी अगर इक्वल हो गई तो एस ए एस से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बची हुई दो साइड इक्वल हो ही नहीं सकती बच्चों, अगर कॉन्ग्रेंट होंगी तो तीसरी साइड को भी इक्वल ही होना पड़ेगा, अगर दो साइड इक्वल हो गई तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें तीसरी साइड तो इक्वल दे नहीं रखी। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हम एस ए एस से कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव कर देते हैं, क्योंकि किसी किन्हीं दो ट्राइंगल की अगर दो दो साइड इक्वल हो जाती हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है, जैसा कि इसमें एंगल तो सारे इक्वल हैं, ये भी मान लें हम कि दो साइड इक्वल हो जाएंगी, बची दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एस ए एस कब लगता है, दो साइड इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो बचे हुए पार्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं ट्राइंगल के, तभी कॉन्ग्रेंट होती है। ऐसा नहीं कि ये हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया, अब ये साइड फोर है ये फाइव है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकती बच्चों, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दो साइड इक्वल हो, बीच का एंगल इक्वल हो, तो फिर बचा पार्ट वो है अपने आप इक्वल हो जाता है, एक्टिविटी करके देख लीजिए आप, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक साइड इक्वल नहीं है और तीनों एंगल इक्वल है तो बची हुई दो साइड बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकती, तो ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड थर्ड, और भैया अभी अभी मैं दो क्वेश्चन जो आपके आपको करवाए मैंने वो ऑब्जेक्टिव के करवा गया मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है ना, तो वो भी कर लेना साथ साथ। इस एक्सरसाइज के जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी उसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये है भाई बच्चों, ठीक है ना, उसके मैंने फोर्थ तक करवा दिए, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ तीन क्वेश्चन करवा दिए इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट के सेकंड करवाया मैंने आपको एंगल बी ए सी 90 डिग्री, बी डी सी डी जो है 80 स्क्वेयर के इक्वल प्रूव करना हमने, और साथ में करवा दिया थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, और भाई फिफ्थ और फर्स्ट और करवा देता हूँ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, उसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। पहले ये कर लेते हैं, देखो इस एक्सरसाइज की जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी इसमें ये रोफ है और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर बंधा हुआ है, ऐसे इसकी हाइट बतानी है आपने, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगने लग रही है, 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 4 अंडर द रूट, यानी कि रूट 60, यानी कि 15 इंटू रूट 2, क्योंकि 60 को लिखेंगे 15 इंटू 4 और ये बाहर निकल जाएगा, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों ये ट्राइंगल हैं चार और इनकी साइड दे रखी है आपने, बतानी कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी ऑब्ट्यूज है, कौन सी एक्यूट है, तो भाई बच्चों मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वेयर इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर अगर ये इक्वल आ जाता है बच्चों तो क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है ना, और भाई अगर हाइपोटेनस के उसका स्क्वेयर जो है वो बेस के स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वेयर से अगर बड़ा आ जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और यहां पर आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, और बच्चों अगर हाइपोटेनस का स्क्वेयर जो है वो लेस देन हो जाता है बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर से तो क्या हो जाएगी, आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है ना, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होते हैं बड़ी साइड, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा जैसे 400, इसका स्क्वेयर 225, इसका स्क्वेयर 144, तो दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 369 जो कि इससे लेस हो गया, तो लेस हो गया ये लिखना था बच्चों हमने यहां पर, ठीक था ये देखो
हाइपोटेनस का स्क्वेयर अगर बेस के स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वेयर से ज्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर बड़ी साइड को हाइपोटेनस लेंगे हम, तो बड़ी साइड का स्क्वेयर बाकी छोटी साइड के स्क्वेयर के सम से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। नेक्स्ट है इसका स्क्वेयर हो गया 225, इसका स्क्वेयर हो गया 64, इसका स्क्वेयर हो गया 289, तो इन दोनों का सम बच्चों इसके इक्वल आ गया, तो ये क्या बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, और ये क्या बनेगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है बच्चों इसका स्क्वेयर 144, इसका स्क्वेयर 25, इसका स्क्वेयर 289, तो इन दोनों को ऐड करें हम तो ये 169 जो है इससे क्या हो गया लेस, ठीक है ना, ये भी क्या होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि पहले वाली होगी बिल्कुल सेम ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों इसका स्क्वेयर हो गया 64, इसका स्क्वेयर हो गया 89, इसका स्क्वेयर हो गया 144, तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये आ गया 5 और ये आ गया 145 आ गया, जो कि ग्रेटर हो गया 144 से, यानी कि क्या होगी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि छोटी साइड के स्क्वेयर का सम अगर बड़ी साइड के स्क्वेयर से ज्यादा हो जाए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों चेक योर प्रोग्रेस का फोर्थ क्वेश्चन, ये प्रूव करना भाई ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा ये ट्राइंगल ली हमने 80 स्क्वेयर जो है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वेयर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर। ठीक इसी तरीके से ये ट्राइंगल लेंगे तो इसमें भी 80 स्क्वेयर जो है वो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर, और भाई दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो दोनों की राइट साइड क्या हो जाएगी इक्वल, ये प्रूव हो जाएगा। डी सी स्क्वेयर की जगह आप सी डी स्क्वेयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों चेक योर प्रोग्रेस का फिफ्थ क्वेश्चन, तो भाई इसमें ये जो टावर है ये 12 मीटर हाइट है इसकी और 8 मीटर की छाया देता है, ये इसी छाया बनती है इसकी, इसी प्रकार एक बड़ा टावर है जो 40 मीटर की छाया देता है, यानी कि 40 मीटर की छाया बनती है उसकी, तो इस बड़े टावर की हाइट निकालनी है, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। अब एक तो ये छोटी ट्राइंगल और एक ये बड़ी ट्राइंगल, दोनों क्या होगी सिमिलर, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया कॉमन, और ये 90 का और ये भी 90 का, तो दोनों के इसका ये एंगल और बड़ी छोटी का ये एंगल इक्वल हो गया, दोनों का ये एंगल कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर, सिमिलर होगी तो इनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या आएंगी इक्वल रेशो में प्रोपोर्शनल, यानी कि इस साइड के नीचे इसको एक्स लेट कर लेता हूं मैं, ये साइड आएगी 12 वाली और इसकी इस साइड के नीचे ये साइड आएगी जिसको 8 लिखा हुआ हमने, 8 5 40 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है ना। और भाई अब जो मैं एक्सरसाइज करवा गया आपको ऑब्जेक्टिव के 3 क्वेश्चन, उसके 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपकी बोर्ड लेवल एक्सरसाइज है, नेक्स्ट इसका मैंने सेकंड थर्ड और फोर्थ करवा दिया बेटा, फर्स्ट और फिफ्थ और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना सारी स्टेटमेंट और अच्छे से फिर उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा किसका सोल्यूशन है। ये बोर्ड लेवल एक्सरसाइज जो अगली वीडियो में अपलोड करेंगे हम, 5 से आगे अपलोड कर देंगे, 5 तक आप यहाँ पर कर सकते हो, तो फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपका। तो बच्चों बोर्ड लेवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ करवा दिए, वही इसी में चेक योर प्रोग्रेस में आप आइडेंटिफाई कर लेना सॉल्यूशंस को। तो अब ये फर्स्ट और फिफ्थ और निपटा देता हूँ साथ साथ, 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो रोमबस के डायग्राम दे रखे बच्चों 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसकी साइड निकालनी है, तो रोमबस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाईसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 का एंगल बनाते हैं और बाईसेक्ट करते हैं, तो ये अगर 12 है तो हाफ कितनी हो जाएगी ये 6, ये 16 है तो हाफ कितनी हो जाएगी ये 8, और भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर अंडर द रूट, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी, चारों साइड 10 सेंटीमीटर की। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, उनकी साइड का रेशो दे रखा है, उनके एरिया का रेशो निकालना आपने, तो आप जानते हो दो सिमिलर ट्राइंगल में उनकी साइड का जो रेशो का स्क्वेयर होता है उनके एरिया के रेशो के इक्वल होता है, यानी कि एरिया ये है तो मैं साइड अब कौन सी लूँगा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो इसने दे रखी है, तो ऊपर क्या लूँगा मैं QR, यानी कि QR का स्क्वेयर, और नीचे के क्या लूँगा मैं यहाँ पर BC, ठीक है ना, BC QR इन दोनों से बन गई भाई। यहाँ पर सिंबॉलिक नेम नहीं होते बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर सिंबॉलिक नेम लिखे जाते हैं, सिंबॉलिक नेम लिखे जाते हैं जब ये सिमिलरिटी का सिंबल यूज होता है, यहाँ पर कैसे भी लिख देते हैं, तो सिमिलर
ट्राइंगल ये है तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो ही दे रखे उन्होंने सीधा सीधा बी सी और क्यू आर। तो क्यू आर वाली ट्राइंगल ऊपर है तो ये ऊपर रख देना आपने 9 9 by 1 कर देना, इनके 1 by 9 नहीं करना बच्चों। बी सी इस ट्राइंगल की साइड है जबकि एरिया इसका नीचे रखा गया है और क्यू आर इसकी साइड है इसका एरिया ऊपर रखा गया, तो इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर देंगे 9:1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट हुआ है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो मेरे पास।